दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मसले पे जो कि कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों आज के टाइम में मोबाइल हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन के रह गया है, तो सोचिए अगर हमारा मोबाइल ही खो जाए तब हम क्या करेंगे। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने खोए हुए मोबाइल को वापस पा सकते हैं। लेकिन कैसे, तो जानने के लिए इस वीडियो को जाके जरूर देखें, वरना बाद में यह मत कहना कि भगवान हमारा मोबाइल खो गया है, भगवान हमका हमारा मोबाइल दिलवा दो। तो इतनी सी छोटी सी बात के लिए भगवान को क्यों परेशान करना, इसके लिए आपका दोस्त है ना टेक्निकल मेहता, फिर टेंशन काई को। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि खोए हुए फोन या चोरी हुए फोन को पुलिस कैसे ट्रैक करती है, यानी कैसे ढूंढती है कि फोन जो है वो किस लोकेशन पे है। दोस्तों आपने ये जरूर देखा होगा कि अगर किसी इंसान का फोन कहीं गुम जाता है या चोरी हो जाता है तो सबसे पहले वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करता है, आप यूं कह लें तो कंप्लेन लिखवाता है। तो पुलिस इंस्पेक्टर जो है उससे उसकी IMEI नंबर मांगती है, क्यों, क्योंकि IMEI नंबर के जरिए ही पुलिस फोन को ट्रैक करती है यानी ढूंढती है। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। दोस्तों ये एक यूनिक नंबर होता है, अगर आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर जानना चाहते हैं तो डायलर में जाके *06# डायल करें, आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर दिख जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपका फोन कहीं गुम गया है तो उसकी कंप्लेन लिखवाने के लिए आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो पुलिस आपसे कुछ सवाल करती है लाइक आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन कौन सी कंपनी का था, उसका मॉडल क्या था और सिम कार्ड कौन सी कंपनी का था, और आखिरी बार आपने फोन को कब देखा था, कब यूज किया था, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि आपके फोन का IMEI नंबर क्या है। पुलिस आपसे ये सवाल पूछेगी ही पूछेगी। तो इतने सारे डिटेल्स देने के बाद पुलिस क्या करती है कि आपके IMEI नंबर को जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है लाइक एयरटेल, जियो, VI, BSNL वगैरह, उन सभी को दे देती है और ये कहती है कि इस नंबर को सर्विलेंस पे डालो यानी निगरानी पे रखो। अब इस केस में क्या होता है कि चोर जो है थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, वो सिम कार्ड को निकाल के बाहर फेंक देता है और दूसरा सिम कार्ड लगा के फोन को ऑन करता है। वो जैसे ही फोन ऑन होता है उसके बाद जो भी IMEI नंबर है वो उस टेलीकॉम कंपनी के पास रजिस्टर्ड हो जाता है, यानी जो भी टेलीकॉम कंपनी है उसके पास चला जाता है। लाइक अगर एयरटेल है तो एयरटेल के पास रजिस्टर्ड हो जाएगा, जिससे टेलीकॉम कंपनी को आसानी से पता चल जाता है कि ये जो नंबर है ये हमारी कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहा है और उसके फोन का IMEI नंबर ये है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस जो है वो ऑलरेडी जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उन सबको इन्फॉर्म किया होता है कि इस नंबर को सर्विलेंस पे डालो। तो चोर जो है वो जैसे ही फोन ऑन करता है दूसरा सिम कार्ड लगाकर, तो फोन से रिलेटेड सारी चीजें टेलीकॉम कंपनी को पता चल जाती है और फिर टेलीकॉम कंपनी पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि लाइक ये फोन है, इस कंपनी का फोन है और इसका मॉडल ये है और उसके फोन का IMEI नंबर इतना इतना है। और सबसे अहम बात यह कि ये फोन इस जगह ऑन हुआ था और अभी ये नंबर इस्तेमाल हो रहा है। तो इतने सारे डिटेल्स लेने के बाद पुलिस जो है वो फोन को ढूंढने के लिए या फिर आप यूं कह लें तो चोर को पकड़ने के लिए वो बेसिकली ट्रायंगुलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली 3 नेटवर्क टावर को इस्तेमाल में लेते हैं चोर को पकड़ने के लिए। तो चोर जो है वो आपके फोन से सिम कार्ड को निकाल के फेंक देता है और दूसरा सिम कार्ड लगा के फोन को ऑन करता है। फोन जैसे ही ऑन होता है तो नियरेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, मतलब आसपास में जो भी नेटवर्क होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। तो पुलिस जो है इन्हीं नेटवर्क टावर को इस्तेमाल में लेती है चोर को पकड़ने के लिए। तो 3 नेटवर्क टावर जो है और फोन की जो डिस्टेंस है यानी फोन की जो लोकेशन है उनमें से कौन सा कॉमन लोकेशन है, तो पुलिस वालों को जो भी कॉमन लोकेशन पता चलती है पुलिस वहां पहुंच जाती है और खुद से सर्च करने लगती है कि फोन जो है वो किस लोकेशन पे है या फिर आप यूं कह लें तो चोर जो है वो किस जगह पे है। तो फिर पुलिस जो है वो चोर को ढूंढने लग जाती है और जैसा कि आप जानते हैं कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं तो चोर तो पकड़ाएगा ही। उसके बाद क्या, चोर जब पकड़ाती है तो पुलिस 2-4 थप्पड़ लगाती है, उसके बाद उसका मिजाज हड़ा हो जाता है, फिर वो सच उगलना शुरू कर देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि चोर जो है वो कोई दूसरा सिम कार्ड डालकर थोड़ी देर के लिए यूज कर ले, फोन पे बातें कर ले और फिर फोन को स्विच ऑफ करके या फिर सिम कार्ड को निकालकर फेंक दे और फिर किसी दूसरी जगह चले जाए। तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनी या फिर पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन पता चलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं, चोर कहीं पे भी चले जाए वो उस फोन में जैसे ही सिम कार्ड इंसर्ट करेगा टेलीकॉम कंपनी को उसकी सारी डिटेल्स पता चल जाएगी कि फोन जो है वो इस लोकेशन पे है। तो फिर टेलीकॉम कंपनी पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी कि भाई ये जो बंदा है यहां पे चला गया हुआ है, उसका ये नंबर है, इस लोकेशन पे है, जाके पकड़ लो। तो कुछ इस तरह से IMEI नंबर के जरिए पुलिस फोन को ट्रैक करती है यानी फोन को
ढूंढ लेती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट जाने का इंतजार रहेगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।